हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता चैनल राम नॉलेज पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फ्लाइंग कार के बारे में आप सभी को जानकारी देना दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, फ्लाइंग कार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हमने देखा होगा कि हमारे समाज में अब जब भी हम रोड पर चलते हैं तो वाहन जो भी होते हैं मोटर कार वाहन और तो पहिया वाहन जो भी होते हैं तो जाम तो ज़रूर लगता है। दोस्तों, हमने प्रायः अनुभव किया है। तो दोस्तों, इस जाम जब भी लगता है तो हमारा ये सोच होता है कि हम कैसे आगे बढ़ें और कैसे जल्दी से जो है अपने बाइक या कार को जो है आगे ले जाएं रास्ते में। तो दोस्तों, इसी क्रम में अगर हम सोचें तो फ्लाइंग कार का कॉन्सेप्ट इसी में आता है। तो फ्लाइंग कार जो है दोस्तों का मतलब समझ सकते हैं, फ्लाइंग कार मतलब उड़ने वाला कार। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों, फ्लाइंग कार जो होता है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर जो है उड़ सकता है और इसका जो चाल होता है मतलब स्पीड जो होता है वो 161 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ये चलता है। मतलब 10,000 फीट की ऊंचाई पर और 161 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार होता है। और दोस्तों, इसकी ये भी विशेषता होती है कि ये जो है 161 किलोमीटर प्रति घंटा इसी रफ्तार होती है। और इसकी दूसरी ये भी विशेषता है कि इसको अगर फ्लाइंग मोड से डाइविंग मोड में चेंज करना चाहें तो 1 मिनट के अंतराल में कर सकते हैं। मतलब कि 1 मिनट में हम फ्लाइंग मोड में अगर कार है तो 1 मिनट में उसको हम डाइविंग मोड में ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये फ्लाइंग कार का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा है और कई जगह इसका इजाद भी जो है हो चुका है। अमेरिका में जैसे कि 2022 में जो है ये आ जाएगा और बाकी अन्य देशों में भी इस पर शोध चल रहा है और जल्द ही संभावना है आने की मार्केट में। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि फ्लाइंग कार का जो फीचर्स होता है वो इस प्रकार है। पहला, सुरक्षा के लिए इसमें 4 व्हील हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दिया गया होता है। मतलब हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक सिस्टम जो है होता है वो कॉस्टली तो होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है। मतलब सुरक्षा के लिए 4 व्हीलर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दिया होता है। दूसरे नंबर पर ऊंचाई से उतरने के लिए एयर फ्रेम पैराशूट दिया होता है। मतलब ऊंचाई से अगर उतरना हो तो एयर फ्रेम पैराशूट का यूज कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पर सख्त कार्बन फाइबर की बॉडी इसकी बनी होती है। चौथे नंबर पर फिक्स लैंडिंग गियर होता है जैसे कि हमारा लैंडिंग जो है सुलभ और अच्छे से हो सके। और थर्ड नंबर पे तो आपने देखी ना, सख्त कार्बन फाइबर की बॉडी होती है, मतलब मजबूत इसकी बॉडी होती है जो कि हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि फ्लाइंग कार के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे आप इस वीडियो के माध्यम से। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मैं दोस्तों राहुल कुमार गुप्ता चैनल राम नॉलेज पॉइंट से आप सभी से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।